हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा कि आज सारा विश्व कोरोना नामक महामारी के दौर से गुजर रहा है, जिसके समाधान में पूरा विश्व एकजुट होकर लगा हुआ है। अभी तक किसी भी तरह की कोई दवाई ना बनने के कारण सिर्फ जानकारी और स्वच्छता ही इसका बचाव है। अधिकांश देशों में सरकारों की ओर से लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू किया गया है, जिससे लोग अपने घरों में सीमित हो गए हैं। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं चित्रा सरवारा अम्बाला कैंट से। सबसे पहले तो आप सबको, आपके परिवारों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज 25 मार्च 2020 को पहला नवरात्रा भी है और साथ ही में जो 21 दिन का कर्फ्यू भारत सरकार ने कोरोना से जूझने के लिए देश भर में लागू किया है, आज उस कर्फ्यू का भी पहला दिन है। और बहुत मायनों में ये बात आने वाले समय पर ऐतिहासिक प्रूव होगी कि हमने इन दिनों को किस तरह से समझा और किस जिम्मेवारी से हमने इस कर्फ्यू को निभाया। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो दिसंबर पिछले साल आवाज इसकी सबसे पहले आई थी और हमने देखा है किस तरह से चीन इसमें उलझा, हमने देखा किस तरह इटली इसमें आज उलझ गया है, हमने देखा किस तरह आज यूएस में हजारों की तादाद में जो है संक्रमित लोगों की जो है आबादी बढ़ रही है, मृतकों की दुनिया भर में आबादी बढ़ रही है। और हिंदुस्तान, और वो हमसे देश जो है वो बहुत आगे माने जाते हैं तकनीकी रूप पर, हिंदुस्तान में अभी ये बीमारी इतनी नहीं फैली और इससे बचने का, इससे लड़ने का एकमात्र जो तरीका है वो है हमने आपस में दूरी बनाए रखनी है, एक दूसरे को इससे संक्रमित होने में, इस कीटाणु को एक से दूसरे से तक जाने में हमने इसे रोकना है, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन आपस में जब हम दूरी रखेंगे तभी हम अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना की ना तो कोई इलाज है, कोरोना की आज ना कोई वैक्सीन है, कोरोना की हमारे पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं, क्योंकि एक नए तरह का वायरस है। और अगर बीमार होकर हम अस्पताल पहुंच गए, सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी हेल्थ केयर सर्विस और किसी भी देश के लिए आज है कि इसके लिए इनफ वेंटिलेटर्स नहीं है। ये एक बीमारी है जिसका सिर्फ एकमात्र वो है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये 21 दिन के कर्फ्यू को हमने बहुत सीरियसली लेना है। अगर हम अपना सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को, तो हमने इससे जुड़ी हर सही जानकारी का पालन करना है। आज हमारे जो नेट है मजाक से भरा हुआ है और बहुत सी अफवाहों से, हमने WHO से, सरकारी तथ्यों से ही इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनका पालन करना है। मेरी आपसे गुजारिश है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नवरात्रों को पूरी तरह से एंजॉय करें। धन्यवाद।